सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्द गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम को नित्य सुख पहुंचाने वाले और धाम जिन्हें नित्य सुख पहुंचा रहा है श्री युगल सरकार, उनकी प्रीति भाजन समस्त सहचरी वृंद निरंतर हमारे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। उनकी अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है, बस अब इस कृपा का अनुभव महापुरुषों की कृपा से उनकी आज्ञा पालन से हमें हो। साधन मार्ग में चलना, निरंतर चित्त को प्रभु से लगाए रहना भजन का स्वरूप बताया गया है महापुरुषों ने। अखंड तेल धारा वत, जैसे आप तेल को छोड़िए तो एक तार चलते, अन्य जैसे पानी आदि छोड़ो तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होती है मोटी पतली, लेकिन तेल की धारा की ऐसी बात है कि जैसे आप छोड़ोगे जिस धारा से एक तार ही रहेगा, उसमें बीच में कहीं भी टूटन नहीं होती। तो भगवत स्मृति को, प्रभु के स्मरण को, भजन को इसी प्रकार महापुरुषों ने बताया कि अखंड तेल धारा वत। पर अभी ऐसी स्थिति नहीं है, हर समय प्रयास करने पर भी ऐसा हृदय में नहीं होता
कि हमारी एक तार स्मृति प्रभु के चरणों में चल रही है, कभी शरीर में, कभी संसार में, कभी पूर्व भोगे हुए भोगों में, कभी कहीं। ये स्मृति इतनी बटी हुई है कि हम चाहकर भी नहीं संभाल पाते, वहाँ चाहते हैं अंदर से अखंड स्मृति प्रभु के ऊपर, नहीं संभाल पाते। तो महापुरुषों ने अत्यंत सहज सरल उपाय इसका निकाला। आपसे निरंतर भजन नहीं होता, कोई बात नहीं। आपकी सतत स्मृति नहीं बनती, कोई बात नहीं। आप निरंतर साधन में नहीं चल सकते, कोई बात नहीं। पर जो निरंतर अखंड स्मरण करने वाले को, जो निरंतर साधन में अपने आप को लगाए रहने वाले को और निरंतर भजन परायण रहने वाले को स्थिति प्राप्त होगी, प्रभु की प्राप्ति होगी, वो सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी आपको, केवल एक बात कर लेने से। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज पूरा जीवन इसी में लगा दिया, कैसे जीव का मंगल हो। रात्रि को 12 बजे उठकर बस यह चिंतन शुरू हो जाता, महान प्रभु के सिद्धांत में श्री भगवत गीता जी पर, कैसे जीव का मंगल हो। ये सब तो कर दिया गया उस विषय में कि ऐसा ऐसा चलिए, ऐसे करिए, पर और सहज उपाय क्या है। निरंतर नाम जब भी नहीं कर पाता जी, क्या करें, और सहज उपाय क्या जिससे बहुत कम समय में प्रभु की प्राप्ति हो जाए, बहुत अल्प अवस्था में प्रभु की प्राप्ति हो जाए। तो हृदय में जब ढूंढा तो महापुरुषों के रूप में साक्षात भगवान ही खेलते हैं, वो कहने को सामने दिखाई दे रहे हैं महापुरुष, लेकिन साक्षात प्रभु हैं। तो अपना रहस्य प्रभु स्वयं बताते हैं। तो श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं, एक काम कर लीजिए, उठते बैठते जब समय मिले एक बस बात कर लो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं। बोले इसमें कहने में आपका कोई खर्चा लग रहा है, कोई आपका कुछ जा रहा है, बस जब समय मिले एक स्वभाव बना लो हर समय, प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। जगह जगह लिखा रहता है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ आप हमें देखते रहना, जगह जगह लिखा है। भगवत स्मरण समस्त साधनों का सार है, और स्मरण की मूल बात यहाँ से है। स्मृति उसी की होती है जिससे अपनापन होता है, शरीर से अपनापन है तो बिना प्रयास के स्मरण होता है, इसी तरह से बस जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा। और सब अत्यंत सहज उपाय है इस बात का, प्रभु से अपनापन करने। प्रभु सच्ची बात नहीं आ रही ना, झूठे ही कहते हो, प्रभु मैं आपका हूँ आपको भूलूं नहीं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे किसी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार प्रयास करने पर ऐसा होता है कि वो स्टार्ट नहीं होती, पर कभी ऐसा भी होता कि एक चाबी में भी स्टार्ट हो जाए। बोले इसी तरह से किसी दिन एक बार ये चाबी लगेगी, हे नाथ मैं आपको भूले नहीं, और निहाल हो जाओगे। बहुत सहज उपाय, भगवत स्मरण समस्त साधनों का सार है। भगवान को याद करते ही संपूर्ण अमंगल नष्ट हो जाते हैं, इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, कोई हानि नहीं है। सत्संग की बातों में भगवान को याद करना सबसे मार्मिक बात है। सत्संग सुनते हैं ना तो मूल बात उसमें यही निकलती है। आप बैठ जितनी देर सत्संग में बैठो तो देखो प्रभु की स्मृति सहज बनने लगती है। सार बात सत्संग की है स्मरण, भजन की सार बात इसमें। महापुरुष जन स्मृति पे बहुत जोर देते हैं, स्मरण, प्रभु की अखंड स्मृति। कहना सत्संग की सार बात भगवान को याद करना। मार्मिक बात है, जल्दी समझ नहीं आएगी ये बात। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, एक पंक्ति में कह दिया, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। पर हम इधर ये बात नहीं समझ पाते कि अब ही सुधरे आज। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज, ये आगे की बात। पर जैसे अगर महापुरुष जन संत जन ना बताएं तो समझ नहीं आ सकती, बस उसमें दिखाई देगा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, क्या करने से, नाम जप करने से। पर उसके आगे बात कह रहे हैं, हो ही राम को आप प्रभु के हो जाइए, फिर क्या होगा, नाम जप करो,
प्रभु के हो गए ना, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु के हैं, सत्य बात है। इसमें हम चाहकर भी इस बात को नहीं हटा सकते, हम प्रभु के नहीं, प्रभु के हैं, थे, रहेंगे, प्रभु हमारे हैं, भूल गए। अब याद करने का अवसर आ गया, उनसे मिलने का अवसर आ चुका है, तो बस प्रभु हमारे, अब आगे नाम जप करो तो कहीं बाधा नहीं होती। जब प्रभु से विलग होके प्रभु दूसरे हैं, मैं दूसरा हूँ, अपने आप को कुछ साधक या को जो भी मानो, विषयी, गृहस्थी, संसारी, अच्छा बुरा मान के, और प्रभु पराए मान के आप जब भजन करने में लगते हैं, तो महान क्लेश बिना किसी प्रयास के मिलता है। मन में अशांति इसीलिए रहती है, प्रभु से अपनापन नहीं है, उनका नाम जप करने पर हृदय क्लेशित होता है, क्योंकि अभी सुख नहीं मिल रहा। और सहज रूप से स्वीकार कर लो, श्री जी मेरी हैं, प्रिया प्रीतम मेरे हैं, तो उनका नाम आपको मीठा लगने लगेगा। अब नाम जप कर रहे हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो मानस पटल पर श्यामा श्याम है, अपनापन बढ़ रहा है, प्रत्येक नाम उनको सुख पहुंचा रहा है, और वो उनको सुख देख के हमारा हृदय का सुख बढ़ता जा रहा है। अपनापन, मूल अपनापन, होए राम कौन हो, पहले हो गए राम के, फिर नाम जप, प्रभु का नाम जप। आगे तुलसी, जहाँ अपने प्रभु के हुए ना, तो सारी समस्या खत्म। जहाँ स्वीकृति करनी है, बस स्वीकृति, हैं प्रभु के हम, अभी तक संसार में थे ना, तो ये स्वीकृति नहीं थी। जब वेश दिया, गुरु शरणागत हुए, तो अब आने लगा ना, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, बस इसी से आने लगी। अब निरंतर सारी भगवतीय संपदा इस बात में छुपी है, जितनी दिव्यता देखी जाती है ना, इसी बात में है, मैं प्रभु का हूँ। जिसने पूर्ण, मीरा जी कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरा है ही नहीं मेरा कोई, केवल गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, सबकी सार बात है। चलते फिरते उठते बैठते हर समय भीतर से भगवान को याद रखो, फिर शरीर चाहे जब छूटे, रहे या जाए प्रभु की इच्छा। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यह प्रार्थना हर एक भाई बहन को, श्री बाबा कह रहे हैं, भाई बहन के लिए बड़े काम की चीज़ है। आप हरदम यह प्रार्थना करें, देखो तो सही एक बार करके, अरे सब कुछ कर लिया, करके देख लो, जैसे तर्क करते हैं, ये कहाँ लिखा है, प्रपंच की बात कहाँ लिखी है, आप बताइए। भगवत मार्ग में नाम के ऊपर, भगवत ये संपदा के ऊपर आप प्रश्न कर सकते हो, प्रपंच संसार में बढ़ता जा रहा है, एक बार प्रश्न उठाने की हिम्मत होती है, राधा नाम कहाँ लिखा है। कभी ये बात कहते हो कि ये क्यों संसार में गंदे आचरण हो रहे हैं, कहाँ लिखा है गंदे आचरण करने का, उठो एक बार। लेकिन जो संत महापुरुष जगत कल्याण के लिए बढ़ता है, उसे वही लोग गिराने के लिए उठते हैं, लेकिन ये झंडा प्रभु के द्वारा लगा हुआ है, किसी की सामर्थ्य नहीं इसे हटाने की। प्रभु का नाम सत्य है, नित्य है, आनंदमय है, उसे कौन झुका सकता है। प्रश्न हम उठा सकते हैं इस बात पर कि ये बात कहाँ लिखी है, अरे अपने हृदय से पूछो, जितना समय बर्बाद कर दिया, कर रहे हो, ये कहाँ लिखा है। सार बात हर बात की है, प्रभु की प्राप्ति कर ली, फिर बात किस बात के लिए प्रश्न करते हैं। अपने आप को संभालिए, दूसरे को नहीं, आप खुद समझ जाइए, पहले उस तत्व की अनुभूति कीजिए। किस जगह लिखा है राग द्वेष करके एक दूसरे की निंदा स्तुति करना, किस जगह लिखा है कि सब गलत हैं हम सत्य हैं, कहाँ लिखा हुआ है। अगर प्रमाण किस शास्त्र में लिखा, कौन सा शास्त्र किसकी निंदा करता है, प्रभु के सिवा जब दूसरा कोई है ही नहीं तो निंदा किसकी। पहले जानिए, अनुभव कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जहाँ अनुभव हुआ तो अन्य पंथी जन, श्री बुल्ले शाह जी से जब प्रश्न हुआ, वो रोज़ा आदि अपनी स्थिति में स्थित हैं, महान प्रेम में डूबे हुए, उनको कोई सुधि नहीं बाहर की, तो वहाँ जाकर कहा गया कि आपको बुलाया गया और आपके संग ऐसा आक्षेप दिया गया, तो कहा एक बात कि ना, उन्होंने पद लिखा है पूरा, ना मैं हिंदू ना मैं तुरक, पूरा पद लिखा है, और कहा कि मेरा मजहब प्रेम है, मेरी जाति प्रेम है, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, और दूसरे मुझे उनके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे सब अपना दिखता है, किसकी मैं निंदा करूँ, किसकी स्तुति करूँ। ये जहाँ प्रभु की स्थिति प्राप्त हुई, प्रभु में स्थित हो जाना आगे बात है, अरे उपासक जब मार्ग में चलता है उसके हृदय की दशा हो जाती है पूर्णता की, तो आगे की बात है। जो महापुरुष उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं,
जब उपासक इस मार्ग में चल रहा है तो उसके हृदय में ये भूमिका तैयार होने लग जाते हैं। इसलिए व्यर्थ की बातों को छोड़कर सहज रूप से ये महापुरुष साक्षात शास्त्र की मूर्तिमान है, मूर्तिमान शास्त्री महापुरुषों के रूप में वो जो बोल रहे हैं भगवान के लिए भी अकाट्य है, प्रभु भी नहीं काट सकते उस बात को। भीष्म जी ने कह दिया कि प्रभु को अस्त्र गहा लूंगा, जो ना हरि आज अस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतना कहाऊं। प्रण कर लिया, अब ये कहां शास्त्र में लिखे कि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करूं? उनसे बड़ा धर्मज्ञ कोई होगा? प्रभु कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जाओ युधिष्ठिर जी और जाकर उनसे, धर्म का सूर्य अस्त होने वाला है, प्रभु कह रहे हैं, उनसे जाकर इस समय जो तुम्हें धर्म के रहस्य को जानना है जान लीजिए। और वो प्रण कर रहे हैं कि प्रभु को यदि अस्त्र न कहा दूं तो मैं गंगा का पुत्र नहीं शांतनु को लजा दूंगा, शांतनु सुत न कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु के लिए कर ली, तो करा क्या प्रभु ने? अपनी बाट कर दी, अपनी छोड़ दी बात, अपनो परण विसार भजगत को पूरो परण निभाऊं भगवान। इसलिए महापुरुष साक्षात भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। कह रहे हैं सहज रूप से आप स्वीकार कर लिए, कुछ न करने की आवश्यकता नहीं, कोई हानि नहीं। अच्छा आप कर रहे हो तो आपकी हानि क्या है ये बताओ? आप राधा राधा कह रहे हो तो हानि बताइए, प्रपंच की वार्ता करने में हानि है। आप घंटों बैठ के प्रपंच की वार्ता करते हो, उससे में विचार नहीं होता कि हम शास्त्र सम्मत कर रहे हैं, हम शरणागति के काम कर रहे हैं, उस समय ये विचार नहीं होता। प्रभु का भजन करने में उसमें प्रश्न उठ जाता है, ये कहाँ लिखा है, किसने कही है? बुद्धि को संभालें, महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलाएं, नहीं तो यही बुद्धि महान पतन का रास्ता सहज रूप से खड़े किए हुए है। कह रहे हैं आप सहज रूप से स्वीकार कर लीजिए, प्रभु मैं आपका हूँ, इसलिए किसी की बात मत सुनो। प्रभु हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य, हमारे प्रभु हमें दे दिया और हमारे हृदय में कृपा करके खुद ब खुद मार्ग खोलते चले जा रहे हैं, बताते चले जा रहे हैं आगे। सत्संग मिल रहा है, हमारा प्रयास बता रहे ना, ऐसे ऐसे चलिए, यही आगे बढ़िए, कहीं मत जाइए। इसलिए निरपेक्ष होकर किसी का संग ना करते हुए निरंतर अपने भजन में लगा रहे, किसी की ना सुने। बीच में अपनी बुद्धि मत लगाओ, सहज भाव से स्वीकार कर लो, भगवान को भूलू नहीं, बस ये पूर्णता के वचन है इनके। जब शांत होने का समय आ गया, पूर्णता में विलीन होने का समय, उस समय बस एक ही बात रह गई, प्रभु को भूलू नहीं, प्रभु की अपार कृपा, हे नाथ मैं आपका हूँ, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। अभी हम करना चाहते हैं इसलिए ठीक नहीं हो पाता, स्वयं पहले से ही परमात्मा का अंश हैं हम, और वह उसी की शरण हो जाए तो फिर बाकी क्या रह गया। प्रभु के अंश हैं पर प्रभु से विमुख होने के कारण हम जान नहीं पा रहे, अब उनकी शरण हो जाइए। जो सुनने को मिला सहज भाव से, कोई बने ना बने, बस इतना पुकारते रहो, प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। तो देखो, देखना चाहिए, केवल सुन लेने से और बोल लेने से बात नहीं, अनुभव करना चाहिए इन विषय का। ये बात कह रहे हैं क्या है, आपके हृदय में क्या होता है? उपासक अपने हृदय के अनुभव के आधार पर चलता है, महापुरुषों की आज्ञा, हृदय का अनुभव, तब इस मार्ग में बढ़ा जाता है। तो देखना चाहिए क्या है इस बात में। बहुत महापुरुष ऐसे जिन्होंने बहुत कुछ किया, आके बैठ गए, बस अब कुछ नहीं, सार बात मिल गई, प्रभु के चरणों का आश्रय, उनका भजन, अब कुछ नहीं करना। इन महापुरुषों की आज्ञा सहज रूप से इस महान भवसागर से निकाल के कब आपको परम पद में आरूढ़ कर देगी, हम भी नहीं जान पाएंगे। यदि अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने प्रयास के अनुसार चलें तो अनंत जन्म भी बहुत कम है। इसलिए बिना बुद्धि को लगाए सहज भाव से स्वीकार कर लें, प्रभु मैं आपका हूँ, और जितना बने जैसे बने उनका नाम जप करते रहें, निश्चित बहुत जल्दी कृपा का, करुणा का अनुभव होने लगेगा। पूर्व प्रसंग में श्री इन महापुरुषों के जीवन में देखिए, खास बात इतनी है, हम प्रभु के हैं और बस हरि गुरु ने जो दे दिया चल दिए उस पर, तो तैयार ही बैठा है वो परम तत्व आपके लिए है, अनुभव हो गया। पूज्य महाराज जी कल कह रहे थे आप बस चलिए तो सही, आज्ञा में रह के, तो आपको यदि ना भी चल पाओगे तो वो चल के आ जाएगा आपके पास, आपको प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त है आपको अनुभव हो जाएगा। चलो तो सही, केवल बातें बनाने से थोड़ी, अनुभव हृदय में होता नहीं, अब तर्क वितर्क करने से कोई बात नहीं। सब तरह के पंथ हैं, प्रभु ने सबको बनाया है,
वो करा रहे हैं अपनी लय, हमारा काम इतना ही है जो मिल गया पूर्ण रूप में उसमें लग के उनकी प्राप्ति करना, अन्य बात नहीं, अन्य कुछ नहीं। जितना इसमें भटकोगे भटकते चले जाओगे। श्री बाबा रामकृष्णदास जी महाराज मूर्तिमान भजन ऐसे महापुरुष कि हर जगह के अन्य अन्य पंथ के जन भी, संप्रदाय के जन भी आकर बाबा के आश्रय में रहकर भजन करने लगे। बाबा के हृदय में निरंतर भजन की रहती है, मतलब हर समय एक भजन का आवेश में हवा रहते, तीन तीन दिन तक होश नहीं बैठे हैं, इस कोटि की स्थिति। पूर्व में सुना कि बाबा पुए का भोग लगा तो ब्रजवासियों ने आके कहा बाबा हमें दो तुम्हारे पास होंगे, वो चोर रूप में थे, कब भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं। उनने सोचा बाबा झूठ बोल रहे हैं और एक डंडा बाबा के सर पे मारा, बाबा के सर से रक्त बहने लगा। और दूसरे जो थे वो गुफा में जाकर ढूंढा तो पुए मिले नहीं, जाके क्षमा मांगी और स्वयं अपने हाथ से ही मल्लम पट्टी करी। प्रभु का खेल है, प्रभु दिखाते रहते हैं मेरे जन कैसी भी स्थिति हो, कभी इस बात पर नहीं कि प्रतिकूलता आगे कि प्रभु ये क्या कर दिया, और अनुकूलता आगे उसमें हर्षित नहीं। आपकी राजी, जैसे आप रखो, आप यदि दुखी रख के क्लेश अशांत रख के प्रसन्न हो तो आपकी राजी, महान सुख में तो आपकी राजी। बाबा की कहीं भी संकीर्णता नहीं, ये हर महापुरुष के जीवन में होती है, ये संकीर्णता, ये मैड़ जो होती है ना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, उसे नहीं देखना, अनन्यता, ये एक सीमा तक है, जब तक समझ में नहीं आती ना तब तक है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हो, किस अनन्यता की बात कर रहे हो? यदि आप विनय पत्रिका का पाठ कर रहे हो तो देखो वहाँ श्री गोस्वामी जी अपने आराध्य श्री राम जानकी जी को देख रहे हैं, तो आपके आराध्य श्री श्यामा श्याम मानस पटल विराजमान है। यदि विभीषण जी शरणागति हो रहे हैं प्रभु के चरणों में तो आपकी शरणागति हो रही है आपके श्यामा श्याम के चरणों में, अनन्यता है क्या? अन्य ना, दूसरा है ही नहीं हमारे प्रभु के सिवा। यदि हम कुछ दूसरा देख रहे हैं तो किस बात की अनन्यता? ये समान है, सुलझो, आवश्यकता सुलझने की है। बाबा के दर्शन करने के लिए एक बार श्री बल्लभ कुल के एक आचार्य पर धरे, संप्रदायाचार्य, तो वो जतिपुरा में ही रुके हुए थे और बाबा को इसकी खबर मिली कि वो आपके दर्शन करना आना चाहते हैं। जैसे ही बाबा ने सुना कि आचार्य हैं मेरे दर्शन करने के लिए, बोले नहीं नहीं मैं स्वयं जाऊंगा, मेरे अहोभाग्य की ऐसे आचार्य मूर्तिमान मेरे ही आचार्य पधारे हैं, महाप्रभु ही पधारे हैं, अन्य आचार्य में दोष नहीं। तो बाबा गए और साष्टांग चरणों में प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ के कहा आप कृपा करके हमें दर्शन देने पधारे हैं, अब करुणा करें मुझे आपके चरणों में रति हो जाए, मेरे आराध्य के चरणों में रति। अब उनको दिख ही नहीं रहा दूसरा कोई, आप कृपा करें जैसे प्रसन्न हो, आप बताएं मैं क्या सेवा करूं आपकी। रीझ गए, कहीं कोई मतलब प्रश्न ही नहीं, ये हृदय की ये जो जब तक है ना वो और मैं और ये ठीक नहीं है। उन आचार्य ने देख के कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपके लिए ऐसा ही उचित है। बाबा अपने पंथ में बिल्कुल दृढ़, अपने भजन में दृढ़, लेकिन जब ऐसे उपासक चलता है ना तो प्रभु के द्वारा ही प्रश्न आता है। अब अन्य सांप्रदायिक जनों को बाबा से ईर्ष्या होने लगी, आ गई ना बात, सुलझन नहीं है, समझे नहीं है क्या संप्रदाय है, क्या भजन मार्ग है, तो ईर्ष्या किस, अच्छा किससे ईर्ष्या? प्रभु के बनाए हुए मार्ग हैं, वो अपने मार्ग से चल रहे हैं, वैसे प्राप्त, आपको उसमें काट करने की आवश्यकता क्या है? आप सुलझे नहीं, समझे नहीं ना, इसीलिए। तो उन्होंने कहा कि रूप सनातन जी हमारे संप्रदाय के, वो अन्य कहीं संप्रदाय के थे और रूप सनातन को अपने संप्रदाय के बताकर बाबा की हेयता प्रकट करने लगे और सनातन रूप जी की भी कहीं ना कहीं बात उसमें अभेलना पूर्वक बात आई। अब बाबा साक्षात विद्वता की मूर्ति प्रमाण सहित दिखा दिया कि ये देखिए, क्योंकि पूरी संगोष्ठी बैठी वहाँ, दिखाया गया कि ये देखिए आप जो कह रहे हैं रूप सनातन जी की या ऐसा भी। अब जो ही बाबा ने पूर्ण प्रमाण सहित ये बात दिखाई, चुप,
कहीं कोई प्रश्न नहीं। और वास्तविक बात है ये यहाँ से खराबी है, यही खराब है, बाहर सब ठीक है, इसको संभाल लो सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने जब ये बात कही तो उनके सांप के मुख बंद हो गए, बाबा अपने निरंतर भजन में। अब हृदय में इतना द्वेष बढ़ गया कि बाबा को मारने की बात हृदय में आ गई कि इनकी मृत्यु कर देंगे। बाबा संध्या के समय मधुकरी को जाते और उन षड्यंत्रकारियों ने मधुकरी के रास्ते में खड़े हो गए जतिपुरा के पास कि बाबा आएंगे और वहीं मार देंगे लताओं के ऊंट में। तो बाबा को नहीं पता, और बाबा अपनी झोली लेके चले मधुकरी के लिए। पीछे से उनने देखा जो छुपे हुए थे बाबा के बैर करने वाले कि एक विशाल सिंह बाबा के पीछे एक पालतू की तरह चले जा रहा है। बाबा को नहीं पता, बाबा अपने भजन में और बस मधुकरी लिए, सिंह चले जा रहा है। और जो ही बाबा मधुकरी के लिए गांव में प्रवेश किया तो वो सिंह गोसाई जो गोसाई जन है ना वहाँ उनकी ओट में हो गया, लताओं की तरफ छिप गया। फिर जैसे ही बाबा वापस आए मधुकरी लेके तो फिर से पीछे पीछे आने लगा। और बाबा गुफा के पास गए, गुफा में गए तो सिंह थोड़ी देर में जंगलों में चला गया। ये देख के उनका हृदय कांप गया कि बस क्षमा करो, हमसे अपराध बन गया। और तत्काल क्षमा याचना करी कि महापुरुष के प्रति अपराध बन गया इस बात से कि स्वयं भगवान इनकी सहायता करें, रत्नावती जी को मारने के लिए सिंह भेजा। तो कहती हैं दासी की रानी सिंह आया, सिंह नहीं नरसिंह आए, तो स्वयं उनकी रक्षा करी और लौट के जिन्होंने भेजा सबको मार दिया जितने ड्योरी पर थे। इसलिए नच तके नीच जो मीच साधु की, सो पामरते ही मीच मरे। प्रभु के जन की ओर जो कोई पैर दृष्टि से देखता है, उसको प्रतिकूल भाव से पहुंचाना चाहता है, उनको किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाना चाहता है, तो स्वयं भगवान खड़े हैं। श्री अम्बरीश जी को नहीं पता था कि उनके पीछे सुदर्शन चक्र हैं, और जहां प्रकट हुए वो तो बस वैसे ही खड़े हैं। इसलिए कभी किसी उपासक को, किसी संत के प्रति जरा भी वो डांट फटकार भी देना तब भी नहीं, प्रार्थना अंदर से प्रणाम नमस्कार करो, भैया बढ़ जाओ अपने मार्ग में। यदि कहीं आप अर्जुने लग गए तो प्रभु साक्षात एक श्लोक में श्री राधा नाम लेने वाले के लिखा है कि यमराज अपना यम दंड लेके, भगवान विष्णु अपना चक्र लेके, इंद्र अपना वज्र लेके, और ये बड़े बड़े जो लोकपाल हैं अपना नागपाश लेके उसकी रक्षा में रहते हैं। एक बार राधा बोलने वाले के श्लोक अभी है नहीं, हम याद नहीं सुना देते, स्पष्ट कहते हैं कि केवल राधा नाम बोलने वाले के ये चारों संग में रहते हैं हर समय उसकी रक्षा में। महाराज जी ने बताया कि आपको आवश्यकता नहीं है किसी की, आप केवल भजन करते हैं। तो बाबा ने देखो बुलाया नहीं किसी को, और उन्हें पता भी नहीं है पीछे सिंह जा रहा है, अब किसकी सामर्थ्य है कि उसके आगे आए। वो चले गए और बाबा से क्षमा याचना करी कि हमसे गलती हुई। इन्हीं दिनों बाबा का जैसे जैसे प्रताप बढ़ने लगा, ये प्रताप बढ़ता है तो जो द्वेषी जन है उनका हृदय जलता है, और जो प्रेमी जन है उनके हृदय में आनंद बढ़ता है। बाबा का प्रताप बढ़ने लगा और इन्हीं दिनों एक जन पधारे, श्री धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती, यही आगे जाके श्री गौरांगदास बाबा के नाम से जाने गए। असाधारण प्रतिभा और भक्ति भाव संपन्न नव्यवस्था युवावस्था है, और बाबा के शरण में आकर रहने लगे। इनकी आयु केवल 20 वर्ष जिस समय धाम में आए, बाबा के चरणों में आए। और बंगाल के एक बड़े जमींदार श्री कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बड़े प्रतिभाशाली होनहार विद्यार्थी और एक बड़े जमींदार के बेटे, प्रबल कृष्णानुराग के कारण वे अपने परिवार के अतुलनीय वैभव को तृणवत त्याग कर श्री वृंदावन के लिए पधार गए। कलकत्ते के प्रसिद्ध महात्मा सिद्ध श्री रामदास बाबा जी महाराज से आज्ञा लेकर, इनके गुरुदेव श्री रामदास जी महाराज कलकत्ता में विराजमान थे, उनसे आज्ञा लेकर वृंदावन चले आए। वृंदावन में कालीदेह के, पूर्व में सुना श्री जगदीश बाबा के
संग भी बाबा किया इन्होंने बहुत समय तक, फिर गिरिराज जी में रहे, फिर बरसाने के लिए जगदीश बाबा ने आज्ञा कर दी आप सेवा में रहो। महाराज के आनुगत्य में भजन कर रहे थे, जगदीश बाबा ने उनकी तीव्र माया शक्ति और असाधारण भजनानुराग देखकर जान लिया था कि उनके द्वारा भविष्य में वैष्णव समाज का महान मंगल होने वाला है, बहुत उपकार होने वाला है, प्रभु की महान वैभव का प्रसारण होने वाला है। ये बहुत धाम में ही रह के बहुत अद्भुत कथा कहने वाले हुए, बड़े बड़े उच्च कोटि के जन भी इनके चरणों में आश्रित हुए आकर, इसलिए उन्होंने उन्हें पंडित बाबा के पास रहकर शास्त्राध्ययन और भजन करने की आज्ञा दी। बाबा के पास जब आके रहने लगे तो बाबा ने कहा तुम ग्वाल पोखरा में रहकर भजन करो। ग्वाल पोखरा में रहकर भजन करने का आदेश दिया और नित्य ग्वाल पोखरा से अपरान 4 बजे उनके पास जाते संध्याते और ग्रंथालोचन करते उन्हीं के पास बैठकर, कुछ समय ब्राणियोजों का पाठ करना और अपने पूरे समय भजन में रहना, और जिस समय बाबा के पास जाते उस समय थोड़ा सा वाणियों का पाठ करना। उन्होंने उनके निकट श्रीमद् भागवत, षट् संदर्भ आदि अनेक भक्ति ग्रंथों को अच्छी तरह मनन किया और उनका अध्ययन किया। ये संग में रह ही रहे थे बाबा के, बाबा अपनी गुफा में ही भजन करते थे निरंतर का, वही 2 बजे से 2 बजे तक बैठ जाना, बाबा भजन में बैठे हुए थे। जंगल का माहौल है ना, जंगल में गुफा है, तो बाबा भजन करते हुए बाहरी कोई अवस्था नहीं, एक सर्प आया और बाबा से लपेट गया पूरा गले में, दोपहर के समय उनकी छाती से और गले में लपेट गया। बाबा शांत बैठे रहे, कोई भी हलचल नहीं, ना हटाने का प्रयास ना उसको, धीरे धीरे वो थोड़ी देर में खुद खुला और चला गया। और रात्रि के समय बाबा को आवाज़ सुनाई दी, किसी ने कहा इस गुफा से चले जाओ, अब तुम्हारा यहाँ समय पूर्ण हो गया, अब इस गुफा से चले जाओ। जब ये बात बाबा ने सुनी तो उसी समय गुफा छोड़ दी रात्रि में और कुसुम सरोवर के निकट श्री श्याम कुटी है उसमें रहकर भजन करने लगे। बैठे हैं, प्रतिपल प्रभु संभालते हैं, प्रभु के आश्रित है ना पूर्ण रूप में, अपनी परवाह नहीं है, प्रतिपल प्रभु संभालते हैं। सर्प लिपटा है, भगवद आश्रित है, अगर शरीर छूटना इससे तो छूट ही जाएगा, नहीं छूटना तो बस शांत बैठे हैं, खुद ब खुद खुल के चला गया। महाराज जी बता रहे थे कि पुष्प चयन करने के लिए हिद्धाम में, तो ऐसे मालती की लता है ना, अब तो श्री जी जाने बहुत घनी थी उस समय, ऐसे महाराज जी लता के पास चढ़े हुए हैं, इतना बिल्कुल पास में सर्प दसीले, आवाज़ से महाराज जी जान गए कि, और फिर जब देखा तो सामने है। ऐसे ही एक बार महाराज जी कुटिया में थे संध्या के, वो नीचे हिद्धाम की जो थी ना जहाँ मालती की लता थी वहीं बैठे हुए थे, एक चबूतरा बना था ना वहाँ बैठे हुए थे, तो सर्प आए और छाती के ऊपर से होकर निकल गया। ठंडा ठंडा लगा तो महाराज जी ने आँखें खोली, थोड़ी देर देखा तो वो जा रहा है, फिर वहाँ से उठ के सोचा कुटिया में बैठ जाते हैं, यहाँ लता पता है, अब यही रहने का स्थान है उनका। कुटिया में जाके बैठे तो आसन पे कुंडली मारे बैठे थे, महाराज जी ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है आपकी, तो और फिर प्रणाम किया चले गए। भगवान प्रतिपल संभालते हैं, प्रभु के आश्रित है ना। एक दिन की बात है, महाराज जी हिद्धाम में ही पुष्प चयन कर रहे थे, पीछे कुआ था, बाद में भर गया वो। अब महाराज जी को ये सुधी नहीं है कि पीछे कुआ है, और हार श्रृंगार के पुष्प उतारते हुए उल्टे लौट रहे, थोड़ा सा ही बस इतना था कि जरा सा पैर चूके और उसमें गिर जाए। महाराज जी कह रहे थे ऐसा लगा किसी ने ऐसे धक्का मारा, महाराज जी आगे जाके गिरे पीछे से। प्रतिपल प्रभु संभाल दे, जिनका प्रभु के सिवा कोई हो नहीं, इसीलिए हे नाथ मैं आपका हूं, शुरुआत यहीं से होना, प्रभु को स्वीकार कर लो जैसे हैं, कुछ बनता है तो ठीक, ना बने तो ठीक, प्रभु हमारे हैं, हम आपके हैं, बिल्कुल महान मंगल यात्रा शुरू की, जितना भजन बने करो, नहीं तो हर समय एक बात हृदय में आ जाए, मैं प्रभु का हूँ, किसी योग्य नहीं हूँ पर प्रभु का हूँ, मेरे प्रभु निश्चित अपार करुणा मेरे ऊपर बरसा रहे, वो मुझे संभाल रहे हैं, संभाल लें एक बात हृदय में, 2-2 मिनट में 5 मिनट में भूल जाओ, जब 10 मिनट में
अरे घंटा भर में जब याद आ जाए उसी समय कहो हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। तो इसी से ऐसा ऐसी प्रयास हो जाएगा कि हर समय स्मृति बनी रहेगी प्रभु हमारे हैं, हर समय श्यामा श्याम मानस पटल पर छाए रहेंगे। ये सब युक्तियां हैं सहज भजन की, अखंड स्मृति की। अब आसन बैठ के पूर्ण रूपेण चित्त का निरोध करके एकमात्र अपने लक्ष्य में लगा देना बहुत कठिन है। ना आहार शुद्ध, ना शरीर की अवस्था ऐसी, और हृदय की क्या दशा है तो जानते हैं हमारे प्रभु। इसलिए सहज भाव से प्रभु मेरे हैं, कैसी भी चूक हो जाए वो कभी देखते नहीं, रहत ना प्रभु चित्त चूक किएगी, करत सुरत सहभार ही। वो जन अब गुण प्रभु मान न काऊँ, देन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बहुत करुणा में कैसे भी एक बार जो जीव शरण में आ जाए ना, कभी नहीं त्यागते, कैसी भी गलती हो जाए सब छोड़ सकते हैं प्रभु नहीं छोड़ सकते। एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं जो हजारों गलती होने पर भी कभी उसकी ओर नहीं देखते, कोई बात नहीं मेरा है, मेरी चूक है, मैं संभाल लेता तो क्यों इससे अगर गलती होती, मेरी गलती हुई, अपनी गलती मानते हैं इसलिए मैं संभालूंगा इसे, मेरा प्रण है मेरा शरण में। मैं तेसाम अहम समुद्रताम मृत्यु संसार सागर, मेरा प्रण है, मेरी गलती हुई, मेरी चूक हो गई, लेकिन चिंता मत कर आगे जाके महान महापुरुष बनेगा, प्रभु का प्रण है। इसलिए पूर्ण भरोसा प्रभु के चरणों का, एकमात्र सहज भाव से स्वीकार हो जाए प्रभु मेरे हैं, कैसी भी शरीर की मन की दशा प्रिया प्रीतम हमारे हैं, हम उनके हैं, बस वो इतना चाहते हैं। अब आगे आपसे जो बन रहा है वो आगे की बात है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं, ऐसा कीजिए वो सब आगे की बात है, वो तो करना ही है, क्योंकि अब ये नहीं करोगे तो करोगे क्या, अब ये करना प्रभु के लिए लगन करना, चिंतन करना, उनके लिए नाचना गाना रोना, बस सहज भाव मूल बात, प्रिया प्रीतम हमारे हम उनके, बस हे श्यामा श्याम हम आपको भूले नहीं, हे नाथ मैं आपको भूले नहीं। शेष चर्चा आगे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।